हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो है ये ट्रेडिशनल ओनम मेकअप लुक पर। यस, हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक। सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, लेट्स मूव इनटू द वीडियो। बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह की और वीडियोस के लिए। सो फर्स्ट स्टेप में मैं अप्लाई करूंगी शुगर एल्कोहलिक प्राइमिंग मॉइस्चराइजर। इस प्राइमिंग मॉइस्चराइजर का फॉर्मूला ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और नॉर्मल स्किन टाइप वालों के लिए बहुत ही सुइटेबल है। बिल्कुल मैट फिनिश देता है और एक लेयर बना देता है स्किन पर। नेक्स्ट अप्लाई करूंगी शुगर एल्कोहलिक हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, और ये इस तरह के ट्यूब पैकिंग में आता है। आपको इस पे आगे की साइड स्पंज मिल जाता है जिससे आप फाउंडेशन ब्लेंड भी कर सकते हो और वहीं से आपका फाउंडेशन निकल भी आता है। बाकी ये अंदर की साइड आपको ट्यूब पैकिंग भी मिलेगी, तो ये स्पंज की वजह से आप इस तरह से डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद उसी से आप ब्लेंड भी कर सकते हो। ब्लेंडिंग के लिए ये ट्यूब का स्पंज काफी अच्छा है, बट इट टेक्स टाइम। सो इसलिए मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर पर स्विच कर लिया, तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड किया। बहुत स्मूथली ब्लेंड हो रहा था ये फाउंडेशन और मुझे कवरेज थोड़ी कम लगी, तो मैंने दोबारा अप्लाई किया। तो इसे आप अगर दोबारा बिल्डअप करते हो कवरेज, तो ये पैची नहीं लगेगा। एंड यस, जब भी आप फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करो तो हेयर लाइन की साइड भी अच्छे से ब्लेंडिंग करो, ईयर्स पर भी ब्लेंडिंग करो और नेक पर भी, जिससे कि वो पार्ट अलग ना लगे, शेड सेम मैच कर जाए। नेक्स्ट शुगर ऑल सेट टू गो बनाना पाउडर से मैं बेकिंग करूंगी अंडर आई की साइड। ये लूज पाउडर है, तो आप जब भी लूज पाउडर अप्लाई करो तो सबसे पहले बैक ऑफ दी हैंड पर एक्सेस रिमूव कर दिया करो, फिर अपने स्किन पर अप्लाई करो। सो अंडर आई की साइड में थोड़ी देर अप्लाई कर लूंगी जब तक आई मेकअप करूंगी, तो उसे बोलते हैं बेकिंग। थोड़ी देर के लिए अप्लाई कर देना, फिर रिमूव कर देना, जिससे कि क्रीज के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ शुगर टू गुड टू बी ट्रू डुअल आई शेडो। इसमें दो शेड्स के आई शेडो है जो कि लिक्विड आई शेडो है। एक साइड आपको शिमरी मिलता है, एक साइड ब्राउन रस्टी ब्राउन शेड है। इस ब्राउन शेड को मैं आईलिड का जो आउटर वी पार्ट होता है ना, वह अप्लाई करूंगी डायरेक्टली, फिर इसे ब्लेंड कर लेना है। इसे जो पूरी क्रीज लाइन होती है ना, वहां अप्लाई नहीं किया है मैंने, आधी क्रीज लाइन तक ब्लेंडिंग की है एज यू कैन सी, जिससे कि अच्छी डेप्थ मिल जाए आईलेट को। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी शुगर कॉन्टोर डिफोर्स फेस पैलेट। इसमें आपको थ्री शेड्स मिल जाते हैं, एक कॉन्टोर के लिए, एक हाइलाइटर एंड एक ब्लश शेड। तो ये पिंक शेड लेकर मैं जो आउटर वी था उससे थोड़ा अंदर अप्लाई करूंगी इस पिंक शेड को, अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है। नेक्स्ट मैं ये डुअल आई शेडो में से शिमरी शेड लेकर जो इनर पार्ट था आईलेट का, वहां अप्लाई करूंगी क्रीज लाइन से होते हुए, जिससे कि कट क्रीज का इफेक्ट मिले, और पिंक शेड से जो भी एजेस है उसे ब्लेंड आउट कर दूंगी स्मूथ लुक के लिए। नेक्स्ट मैं ये पिंक और ब्राउन शेड को मिक्स करके लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करूंगी। नाउ शुगर कोल इंटेंस काजल अप्लाई करूंगी। ये इस तरह की रिट्रैक्टेबल पैकिंग में आता है और बिल्कुल जेट ब्लैक कलर देता है। जो लोअर लैश लाइन है वहां अप्लाई कर लूंगी, और जो अपर लैश लाइन होती है ना वहां भी अप्लाई करूंगी इसे, और अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। और इसी काजल को एज अ लाइनर भी यूज करूंगी, बट मैंने हाफ लैश लाइन पर अप्लाई किया है, हाफ अपर लैश लाइन पर, आप देख सकते हैं। फिर मैं इसे स्मज करूंगी एक स्मजर ब्रश की हेल्प से, और इसके बाद मैंने विंग निकालने की कोशिश की वही स्मजर ब्रश से, और फिर लोअर लैश लाइन पर जो काजल अप्लाई किया था उसे भी मैंने स्मज किया, फिर एक ब्रश से जो एक्स्ट्रा पाउडर था उसे रिमूव कर दिया। नेक्स्ट मैं ये हाइलाइटर शेड लेकर आईज के इनर कॉर्नर्स पर अप्लाई करूंगी। नाउ आईलैशेस को कर्ल कर लूंगी, फिर मस्कारा अप्लाई करूंगी, और मस्कारा के लिए मैं ये शुगर वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हो इसकी पैकिंग एंड इसका वॉन्ड बहुत ही थिन है, बहुत ही अच्छे से लैशेस को वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। दो से तीन कोट अप्लाई कर लो और ये एक अच्छा सा वॉल्यूम दे देगा आईलैशेस को, बिल्कुल भी क्लम्पी नहीं बनाएगा, और ये मस्कारा वाटरप्रूफ भी है। बाकी जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वॉन्ड में, उससे मैं आईब्रो को सेट कर लूंगी। नेक्स्ट मैं वही लूज पाउडर से अपने पूरे फेस को अच्छी तरह से सेट कर लूंगी, जिससे कि कोई भी क्रीज लाइन ना पड़े। सो ब्लश के लिए मैं उस फेस पैलेट में से ये पिंक शेड लेकर ब्लश अप्लाई करूंगी, अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है। फिर ये ब्राउन शेड लेकर मैं कॉन्टोरिंग करूंगी, जहां भी जरूरत है कॉन्टोरिंग की वहां अप्लाई करूंगी, जॉ लाइन पर, नोज पर। फिर इसके बाद मैंने लूज पाउडर अप्लाई किया है नोज पर। एंड लिपस्टिक के लिए ये शुगर मास्क प्रूफ लिप क्रीम अप्लाई कर रही हूँ इन द शेड वाटर लिलीज। एंड गाइज, आप इसका शेड देख सकते हो, कितना प्यारा लग रहा है ये मेकअप लुक पर। सो फॉर फाइनल फिनिश शुगर ग्रैंड फिनाले सेटिंग मिस्ट, यस, मेकअप को लॉक करने के लिए। एंड इसके बाद मैं हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगी। एंड यस, दिस इज माय फाइनल लुक गाइस। आपको ये ट्रेडिशनल ओनम मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसी तरह की और भी
वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।